सब्सक्राइब कीजिए फोन मैग्नेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों 20 फरवरी को सैमसंग सैन फ्रांसिस्को में उतारने जा रहा सैमसंग S10 के 3 नए स्मार्टफोन्स, तो चलिए देख लेते क्या रूमर्स है सामने और क्या स्पेसिफिकेशन कंफर्म हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपेश, आप देख रहे हैं फोन मैग्नेट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों सैमसंग S10 लाइट के साथ। तो डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर सैमसंग वापस लाने जा रहा फ्लैट स्क्रीन वाले अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन। तो यहाँ पर मिलती है 5.8 इंच की 2K डिस्प्ले जो आती है सुपर एमोलेड के साथ। और यहाँ पर कॉर्नर में एक होल भी मिल जाता है जिसमें कि फ्रंट कैमरा फिट किया गया है। स्नैपड्रैगन का 855 या एजियोनियस का 9820 प्रोसेसर सैमसंग S10 लाइट में दिया जा सकता है। यहाँ पर पीछे की तरफ डुअल रियर कैमरा और सामने की तरफ एक फ्रंट कैमरा दिया जाएगा। और सैमसंग S10 लाइट को पावर देने का काम करेगी 3100 mAh की बैटरी जो आती है फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। ये फ़ोन एंड्रॉयड पाई के साथ लॉन्च होगा और इस पर काम करेगी One UI। इस फोन में कोई अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर तो नहीं होगा दोस्तों, लेकिन एक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा। अब बात सैमसंग S10 की, तो दोस्तों यहाँ पर दिया जाएगा 6.1 इंच का कर्व डिस्प्ले जो आएगा सुपर एमोलेड टेक्नोलॉजी के साथ। स्नैपड्रैगन का 855 या एजियोनियस का 9820 प्रोसेसर मार्केट के हिसाब से यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर पीछे की तरफ डुअल रियर कैमरा और एक फ्रंट कैमरा दिया जाएगा। और 3500 mAh की बैटरी पावर देने का काम करेगी सैमसंग S10 को। एंड्रॉयड पाई के साथ ये फ़ोन लॉन्च होगा जो काम करेगा One UI के साथ। और यहाँ पर एक अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया जाएगा। 30 नंबर पर लॉन्च होगा दोस्तों सैमसंग S10 प्लस, जो कि हाई एंड वेरियंट होगा सैमसंग S10 सीरीज का। यहाँ पर दिया जाएगा 6.4 इंच का कर्व डिस्प्ले जो आएगा 2K रेजुलेशन के साथ। और यहाँ पर भी स्नैपड्रैगन 855 एजियोनियस का 9820 प्रोसेसर दिया जा सकता है। और जहाँ पर बात आती है कैमरे की, तो दोस्तों सैमसंग S10 प्लस में दिए जाएंगे 3 रियर कैमरे और 2 फ्रंट कैमरे। और इस फ़ोन को पावर देने का काम करेगी 4000 mAh की बड़ी बैटरी। ये फ़ोन भी एंड्रॉयड पाई के साथ लॉन्च होगा जो काम करता है One UI के साथ। और दोस्तों यहाँ पर भी सिक्योरिटी के लिए अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा। अब देखना यह 20 फरवरी को जब ये फ़ोन लॉन्च होगी कंपनी इसकी प्राइस कितनी रखती है और इंडिया में इसकी प्राइस क्या रखी जाएगी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, लाइक और शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोजाना लाता रहता हूँ आपके लिए ऐसे ही वीडियो।